खिलाड़ियों का काम खिलाड़ी करें, किसान का काम किसान करें, वही सबसे दुरुस्त बात है। जब सत्ता में बैठे राजनीतिक लोग स्पोर्ट्स के अंदर दखलअंदाजी देते तो फिर वो अपने पद का दुरुपयोग कर वही कुकृत्य करते हैं, वही कुकर्म करते हैं जो सांसद ब्रजभूषण सिंह ने किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा कि उसे गिरफ्तार करो, FIR दर्ज करो। दो दो बार हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बेटे यहां आंदोलन पर बैठ चुके, आश्वासन दिए गए, रात को इन पर हमला बोला गया। दिल्ली पुलिस के वो बेटे जो हमारे बेटे, दिल्ली पुलिस को हमारे अपने बेटों और बेटियों को अपमानित करने के लिए भेज दिया गया। जिस प्रकार का व्यवहार भाई बजरंग के साथ हुआ, जिस प्रकार का व्यवहार हमारी बेटियों के साथ हुआ, वो प्रभु कभी ना करे कि सत्ता में बैठे लोगों के परिवारों के साथ कभी ऐसा हो, तो उन्हें मालूम चलता कि इज्जत किस चीज को कहते। ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी जेल की सलाखों से बाहर रहने का अधिकार नहीं। हम सबकी ये मांग है, इस देश की ये मांग है, इस देश के युवाओं की मांग है, इस देश के खिलाड़ियों की मांग है, और हरियाणा की ये धरती, पश्चिम उत्तर प्रदेश की धरती, दिल्ली की धरती, पंजाब की धरती, ये तो वो धरती है कि इस देश के आधे मेडल हम लेकर आते। राजस्थान की धरती, इस देश के आधे से ज्यादा मेडल हमारे बेटे बेटियां लेकर आते हैं। जब यही बेटियां मेडल लेकर आते हैं तो हम सबको बड़ी प्यारी लगती है, और जब इन बेटियों के साथ अन्याय होता है तो दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत कम लोग ये आवाज उठा पाते हैं। मेरा जो खाप के लोग आए हैं, किसान यूनियन के साथी आए हैं, खिलाड़ी साथी आए हैं, गांव गवांड के जो लोग आए हैं, हमारे सैनिक आए हैं, हमारी जो एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के लीडर साहिबान यहां बैठे हैं, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के एक ही अनुरोध करूंगा, और हमारे पहलवान साथियों को भी, हमारी बेटियों को भी, हमारे बेटों और भाइयों को भी, कि हम सब मन वचन कर्म से आपके साथ हैं। लोग कहते हैं तन मन धन से साथ है, नहीं, हम मन वचन कर्म से आपके साथ हैं, और आपका ये संघर्ष बुलंद रहे। आपके इस संघर्ष में जहां जरूरत पड़ेगी, हम में से हर साथी आपके साथ खड़ा मिलेगा। हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम कोई पूर्वाग्रह नहीं करेंगे, परंतु जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे डकैत राक्षस हमारे समाज में हैं, तो हमें ये संघर्ष लड़ते रहना पड़ेगा। और जो बुजुर्गवार आए हैं, मैं हाथ जोड़कर उनको एक ही बात कहता हूं, इन बच्चों पर आपका आशीर्वाद बना रहे। जो नौजवान भाई आए हैं मुझसे छोटी उम्र की और बड़े उम्र के सारे, और मेरी हम उम्र बहुत बैठे, आपका प्रेम बना रहे, आपका संघर्ष बना रहे, आपका संघर्ष ही हमारी बेटियों की ताकत है, इस देश की बेटियों की ताकत है। ये लड़ाई एक प्रांत के लोगों की नहीं, ये दो या तीन या चार प्रांत के लोगों की भी नहीं, ये लड़ाई किसी जाति की नहीं, ये लड़ाई इस देश के नौजवान की लड़ाई है। इस देश के नौजवान को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई है। इस देश की बेटियों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये लड़ाई इस बात की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से मिजोरम तक, हर बेटी और बेटे का ये संघर्ष और लड़ाई, और इस लड़ाई में हर साथी की मदद, हर साथी का आशीर्वाद हमारे इन बेटे और बेटियों को चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर से अपनी तरफ से, और ये सारे परिवार के, कोई काका को, ताऊ को, भाई, मेरे बहुत सारे परिवार के लोग यहां बैठे, आप सब, इन सब की तरफ से भी मैं एक ही आश्वासन आपको देता हूं, जो हमारे भाई अंदर बैठे, कि हम सब एक आवाज मारोगे, हमारी जिस प्रकार की मदद की जरूरत है, आपको ताकत चाहिए ताकत, और आपको लहू चाहिए लहू, दोनों देंगे आपको, और हमारी बेटियों को न्याय मिले, केवल इतनी ही उस प्रभु के चरणों में कामना है। और मैं एक बात कह देता हूं, कई बार लगता है कि संघर्ष कमजोर पड़ गया, कई बार लगता है कि सत्ता की शहतीर पर बैठे लोग बहुत ताकतवर हैं,
सत्ता की शहतीर किसान यूनियन के लोग जानते हैं सबसे कमजोर होती है। वो फौजी साथी जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं, सत्ता की शहतीर से कम कमजोर कोई चीज नहीं। जब जनता का बलबला उठता है तो सत्ता की शहतीर पहले चरमराती है और फिर टूटकर उनको धराशाही कर देती है जो उसके ऊपर बैठे हैं। इसलिए इसको एक चेतावनी मान ले ब्रिज भूषण शरण भी और उस जैसे और सब लोग भी, और वो सब लोग भी जो सत्ता में बैठकर ब्रिज भूषण शरण को संरक्षण दे रहे हैं कि जब करवट लेगा ना समय तो एक एक व्यक्ति का हिसाब होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जो आए परिवार के लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।